नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिनटेक्स में। दोस्तों आज हम लोग इनकम टैक्स, अगर आपने घर बेचा तो उसके ऊपर कैसे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है वो देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने मेरा इसका पार्ट वन वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लें, जिसमें मैंने बताया है प्रोविजन इनकम टैक्स के, एक्सप्लेन किए हैं कि आपको एग्जेम्पशन क्लेम करना है तो क्या कंडीशन है और क्या टाइम लिमिट है। ये सारा मैंने पार्ट वन के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग ये पार्ट टू वीडियो है जिसमें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं कि प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट होता है, उस पर कैसे टैक्स निकलता है। तो दोस्तों एक एग्जांपल लिया मैंने कि मिस्टर ए हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी परचेज की थी। उन्होंने 21 दिसंबर 2002 में उन्होंने एक प्रॉपर्टी किया परचेज किया था 1 करोड़ में, और वो प्रॉपर्टी उन्होंने बेच दिया है 1 नवंबर 2017 में 5 करोड़ में उन्होंने प्रॉपर्टी बेची है। और प्रॉपर्टी बेचने के लिए उन्होंने जो ब्रोकरेज पे किया वो 5 लाख किया। अब ये बेच के जो पैसा आया वो पैसे से उन्होंने, मिस्टर ए ने 2 फ्लैट खरीदा, एक मई 2018 में और जून 2018 में। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया टाइम लिमिट क्या था। टाइम लिमिट खरीदने का था 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। अब 2 साल आप देखेंगे, उन्होंने सेल किया 1 नवंबर 2017 को, तो 2 साल कंप्लीट होता है 2000 नवंबर 2017, नवंबर 2018, 1 साल नवंबर 2019। तो नवंबर 2019 के पहले इनको जो है फ्लैट में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो इन्होंने पैसा कभी इन्वेस्ट किया मई 2018 में, तो 2 साल के अंदर ही इन्होंने परचेस किया है, तो इनको ये एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और ये प्रॉपर्टी जो उन्होंने बेचा वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। लॉन्ग टर्म होने के लिए कंडीशन था कि प्रॉपर्टी जो है वो 2 साल तक उनके पास होना चाहिए। तो उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी 2002 में दिसंबर में, और बेची उन्होंने 2017 में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 15 साल इन्होंने प्रॉपर्टी को होल्ड किया, तो वो भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। ये लॉन्ग टर्म भी हो गया है और लॉन्ग टर्म भी है, और उन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी किया है बेचने के 2 साल के अंदर, तो उनको ये एग्जेम्पशन के लिए ही इज एलिजिबल, ठीक है दोस्तों। तो पैसे से उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 फ्लैट खरीदा, एक फ्लैट की वैल्यू थी 1 करोड़ और दूसरी फ्लैट की वैल्यू थी 1.25 CR। इसके अलावा फ्लैट के अलावा इन्होंने कुछ जमीन भी खरीदी 25 लाख में, और शॉप भी खरीदा उन्होंने 30 लाख का, एक दुकान खरीदा इन जून 2018 में ही खरीदा उन्होंने, मतलब 2 साल के अंदर ही इन्होंने खरीदा है। दोस्तों अब देखते हैं, चलिए इसके ऊपर टैक्स जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं कैपिटल गेन। दोस्तों सबसे पहले जो सेल प्राइस है उसे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कहते हैं, कॉमनली हम लोग सेल प्राइस उसे बोल सकते हैं। तो हमारे केस में तो सेल प्राइस था 5 करोड़, उन्होंने जो फ्लैट बेचा था 5 CR इज सेल प्राइस। उसमें से इनकम टैक्स में कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए जो ट्रांसफर एक्सपेंसेस होते हैं वो डिडक्ट कर सकते हैं, हम लोग डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। और ट्रांसफर एक्सपेंसेस में क्या आता है कि प्रॉपर्टी सेल करने के लिए जो जो एक्सपेंसेस जरूरी है वो ट्रांसफर एक्सपेंसेस में आएंगे, ठीक है। एनी एक्सपेंडिचर विच इज इंसिडेंटल और रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इन्होंने 5 लाख जो है ब्रोकरेज में पे किया है, ठीक है। तो 5 लाख हम लोग वहां से डिडक्ट कर लेंगे, तो जो आ जाएगा हमारा नेट कंसिडरेशन, ठीक है, तो 4.95 करोड़। दोस्तों इसके बाद जो होता है, हम इन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी मिस्टर ए ने, वो 2002 में खरीदा था उन्होंने, 1 करोड़ में उन्होंने 2002 में खरीदा था, ठीक है। तो 1 करोड़ जो थी वो 2002 की वैल्यू थी, टैक्स हम लोग आज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हर साल थोड़ी थोड़ी महंगाई बढ़ती है, तो ऑब्वियसली जो अगर आप 1 करोड़ को कंपेयर करेंगे 5 करोड़ से तो वो कंपैरिजन सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन से हमने एडजस्ट नहीं किया है, क्योंकि 1 करोड़ की वैल्यू 2002 में बहुत थी, ठीक है। तो उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक, उन्होंने ये दिया है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया है, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंसिडर करके, ठीक है, ताकि आपका जो कॉस्ट है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। आज के डेट का जो कॉस्ट है वो क्या होगा, वो फिगर लाने के लिए हमको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो इनकम टैक्स हर साल के लिए जारी करती है उससे हमको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस्ट को, ठीक है। तो हमको पता चलेगा कि आज का कॉस्ट कितना है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो दोस्तों इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी दिसंबर 2002 में, 21 दिसंबर 2002, ठीक है।
तो इनकम टैक्स में जो साल होता है वो हमेशा अप्रैल टू मार्च होता है, अप्रैल में स्टार्ट होता है और मार्च 31 को एंड होता है। तो ये जो पीरियड है 21 दिसंबर 2002, तो इसका जो फाइनेंशियल ईयर होगा, इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर कहते हैं, वो होगा 2002-2003, अप्रैल 2002 टू मार्च 2003, 2002-2003। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का फिगर जो है नोटिफिकेशन के थ्रू जारी करती है। तो ये देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये सारे फिगर जो है नोटिफाई किया है हर एक साल का। अभी हमारा जो साल है वो 2002-2003 है, तो 2002 और 2003 के लिए जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था वो था 105, 105 था। ठीक है, और प्रॉपर्टी हम लोग बेच रहे हैं नवंबर 2017, अभी नवंबर 2017 में बेच रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा प्रीवियस ईयर, ईयर हो जाएगा 2017-2018। तो 2017-18 का जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए 17-18, तो 17-18 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हो गया 272। ठीक है, महंगाई की वजह से थोड़ा बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए ये 100 से स्टार्ट हुआ और हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 2001 में जो 100 रुपये की वैल्यू थी 1 अप्रैल 2001 को, 100 रुपीज, उसकी 100 रुपीज की आज की वैल्यू कितनी है अगर मैं बात करूं कि मार्च 18 की, तो वो है 272। ठीक है, इसको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये हम लोग ने देख लिया कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है। अब कैलकुलेट करते हैं, अभी ये 1 CR है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे आज के इंडेक्स से। तो आज का इंडेक्स हमने देखा 272 है फाइनेंशियल ईयर 17-18 का, और उसको डिवाइड कर देंगे 2002-2003 के इंडेक्स से कि 2002-2003 में क्या प्राइस था। तो 2002-2003 में प्राइस था 105। तो ये करने से हमको फाइनेंशियल ईयर 17-18 की जो है कॉस्ट, इंडेक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअल कॉस्ट हमारा 1 करोड़ था, लेकिन इंडेक्स्ड कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा महंगाई की वजह से, तो वो यहाँ पे आ रहा है 2.59 CR। आप अगर 1 CR को मल्टीप्लाई करेंगे 272 से, डिवाइड करेंगे 105 से, तो ये फिगर आएगा 2.59 CR। ठीक है, उसके बाद हम लोग माइनस कर सकते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होता है कि कोई भी एक्सपेंडिचर आपने किया कैपिटल नेचर का, मतलब नॉर्मल रिपेयर्स मेंटेनेंस वो खर्चे नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे कि असेट की लाइफ बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, कोई बड़ा आपने इंटीरियर करवा दिया, टाइल्स लगवा दिया, और कोई बड़े खर्चे आपने किए जिससे कि फ्लैट की वैल्यू बढ़ गई, लाइफ बढ़ गई, तो उसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। छोटे मोटे खर्चे, रिपेयर, पेंटिंग, नॉर्मल जो हम लोग करते हैं उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल में कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं था, तो हमने निल लिया। अब दोस्तों, ये जो नेट कंसिडरेशन था ब्रोकरेज माइनस करने के बाद, उसमें से ये इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 2.36 CR। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने पढ़ा, मैं लास्ट फर्स्ट पार्ट वीडियो में मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, तो मैंने वहां पे बताया था कि एग्जेम्पशन क्लेम आप तभी कर सकते हैं ओनली फॉर वन हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप एक घर के लिए ही आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल में मिस्टर ए ने 2 घर खरीदा था, एक घर खरीदा था 1 करोड़ में, दूसरा घर खरीदा था 1.25 CR में, पर बेनिफिट सिर्फ एक ही घर के लिए मिलेगा। अभी हमको बेनिफिट लेना है, तो ऑब्वियसली जिसका वैल्यू ज्यादा है वही लेंगे। ठीक है, तो कि हमारा टैक्स कम आएगा, कैपिटल गेन कम आएगा, टैक्स आएगा, तो ये दोनों में से जो ज्यादा है वो है 1.25 CR। तो हम लोग 1.25 CR जो है वो ले लेंगे ताकि हमारा टैक्स कम आएगा, कैपिटल गेन कम आएगा, तो ये डिडक्ट करेंगे इसमें से, तो मिल जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो आ रहा है 1 करोड़ 11 लाख, 1.11 CR। दोस्तों दोस्तों यहाँ पे गौर करने की बात ये है कि अगर इन्होंने, इनको पता होता प्रोविजन मिस्टर ए को, तो वो क्या करते कि अलग अलग घर, 2 घर नहीं खरीदते, क्योंकि अमेंडमेंट आ गया है एक ही घर के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने 2 घर खरीद लिया, लेकिन बेनिफिट सिर्फ एक का ही मिलेगा, तो वो इसके लिए इनका कैपिटल गेन आ रहा है 1.11 CR, और इनको टैक्स भरना पड़ेगा 22 लाख, 0.22 CR। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो, हाउ टू कंप्यूट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ हाउस एंड टैक्स।
दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।